बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र के बोकराटा के निमाड़िया फलिया में भतीजे ने बीते दिनों अपने काका काकी और उनके तीन बच्चों की कुल्हाड़ी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी और शवों को नाले में बहा दिया, जिसका खुलासा एडीजी वरुण कपूर ने प्रेस वार्ता में किया। हत्यारे चाचिया पिता जामा ने एक के बाद एक पहले दो बच्चों को मार, इसके बाद उसके काका राया को मौत के घाट उतार दिया। फिर जब राया की पत्नी आवाज़ सुनकर दौड़ती आई तो चाचिया ने उसे भी मार दिया। अंत में हत्यारे ने दो साल की मासूम बच्ची को भी मार दिया। पुलिस ने बताया कि चाचिया अपने बड़े भाई की मौत के बाद अपने काका से रंजिश रखता था। चाचिया का बड़ा भाई एक साल पहले टीले से फिसल गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। हत्यारे भतीजे से इन पांचों की हत्या कर शवों को उसी जगह जाकर ठिकाने लगाया जहां पर उसके भाई की मौत हुई थी। शवों को ठिकाने लगाने के लिए चाचिया ने अपने भाई राकेश को साथ कर लिया था। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा एडीजी वरुण कपूर ने पुलिस कंट्रोल रूम में किया। हत्यारे ने घटना को इस तरह से अंजाम दिया कि सभी इसे हादसा समझे। 11 अगस्त को गोई नदी में दो बालकों के शव अलग अलग जगहों पर मिले। उसके बाद 12 अगस्त को महिला का शव बोकराटा के पास नाले में मिला। पुलिस ने जब मामले को गंभीरता से लिया तो मालूम पड़ा कि रंजिश में राया के भतीजे ने अपने काका के परिवार वालों की ही हत्या कर दी। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। गया हो या डूब गया हो, इसीलिए किसी ने उसकी रिपोर्ट नहीं करी है। तो परिवार के एंगल से जब चलना शुरू किया तो एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई कि एक निमाड़िया फलिया है, एक पाटी थाने का गांव है बोरकटा बोकराटा, तो उसमें एक फैमिली के सदस्य मिसिंग, एक व्यक्ति है राया और उसके पूरी फैमिली मिसिंग थी, ऐसी जानकारी मिली। उस पर काम करना प्रारंभ किया तो ये स्पष्ट हो गया कि ये पाँच लोग हैं। इसमें राया है, उसकी वाइफ है किरमाबाई और उसके दो बेटे हैं शेर सिंह और देव सिंह और एक उसकी 2 वर्षीय बालिका थी जिसका नाम था पाया। ये पांचों लोग मिसिंग थे और इन्हीं के पांचों की हत्या की गई थी। इनके जो चचेरा भाई का बेटा है राया के चाचिया और उसका भाई राकेश, इन दोनों ने मिलकर इन पांचों की हत्या की थी पुरानी रंजिश के ऊपर से, जो जिसमें ये था कि चाचिया का एक और भाई था छगन, उसकी एक साल पहले मृत्यु हुई थी एक पहाड़ी से नीचे गिरने से। उस समय ये राया जो था ये उसके साथ था और ऐसा चाचिया सोचता था कि इसके चाचा ने ही धक्का देकर उसके भाई को मारा है, जबकि जो उस समय की जांच थी, मर्द जांच और बाकी एविडेंस के आधार पर ये स्पष्ट था कि वो व्यक्ति खुद एक्सीडेंटली गिरा है और उसकी मृत्यु हुई है। पर इसने मन में ये पाल के रखा था कि ये मेरे चाचा ने किया है, तो रिवेंज की भावना से उसने 9 तारीख की रात शाम से 7 बजे से ये घटना को अंजाम दिया। पहले जाके उसने राया के दोनों बेटों को जो 10 और 12 वर्ष के हैं उनको कुल्हाड़ी मार के हत्या करी। उसके बाद जब राया खेत से वापस आया तो उस पर भी वार करके उसको भी कुल्हाड़ी मारी और वो भी मर गया। उसके बाद उसकी वाइफ जो पीछे आ रही थी वो भी बचाने के लिए आई तो उस पर भी हमला किया और उसको भी इंजर करा, जिससे अल्टीमेटली उसकी भी डेथ हो गई। 2 साल की उसकी बच्ची थी उसको उसने फिर मारा, क्योंकि वो सोचता था कि अगर ये बच गई तो मेरे बारे में जानकारी दे देगी। फिर इसने अपने भाई को बुलाया राकेश को और इन दोनों ने मिलकर पूरी रात भर एक एक करके इन बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया और जो एक बड़ा नाला है जिसमें उसका भाई पहले गिर के मरा था छगन, उसी में इसने चारों बॉडीज को फेंका और छोटी बच्ची की जो शव था वो उसके पास में एक छोटा नाला था उसमें उसको डिस्पोज किया। इसी प्रकार आगे में पांचों बॉडीज अब मिल गई हैं, पहले तो 3 मिल गई थी, वो बच्ची की जो अवशेष हैं वो नाले के पास मिल गए हैं। उसी प्रकार से जो राया है जो मृतक था उसका शव भी आज दोपहर में बरामद कर लिया गया है। पांचों लोग मिल गए हैं, पांचों शव या उनके अवशेष, और दोनों आरोपी जो थे राकेश और चाचिया उनको भी गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया है। उनने हत्या में प्रयोग की जो कुल्हाड़ी थी फालिया था वो भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के सने कपड़े और जो चादर थी जिसमें उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया था इस लाश को, अन्य कुछ चीज़ें भी बरामद की गई हैं और सफलतापूर्वक इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा जिला पुलिस बल ने SP श्री श्रीनिवास के नेतृत्व में किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।